सो आज का हमारा जो प्लान है 20x25 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है जिसमें कि हमने एक 2 BHK प्लान किया है। सो चलते हैं प्लान की तरफ एंड देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है जिसमें कि हमारी इसकी जो विड्थ है वो 20 फीट की है एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 25 फीट की है। फर्स्ट हम इसकी वॉल्स को हाईलाइट कर लेंगे, जितनी भी हमारी वॉल्स उनको हाईलाइट कर लेंगे। सो हमने इन सारी वॉल्स को हाईलाइट कर दिया है। अब हमने इसमें जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए उन विंडोज को हम हाईलाइट करेंगे। सो हमने इन सारी विंडोज को भी हाईलाइट कर दिया है। फर्स्ट हम यहाँ से एंटर करेंगे हमारे पार्किंग पोर्शन के अंदर। इसका जो हमारा साइज है वो 10x5 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ है एंड 5 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। पार्किंग के लेफ्ट साइड में हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किए हुए जो कि हमारी फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। इस स्टेयर के नीचे ही हमने एक WC एंड बाथ प्रोवाइड किया हुआ है जो कि हमारा एक कॉमन टॉयलेट बाथ है। इसका जो हमारा साइज है वो 4x5 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 5 फीट हमारी इसकी लेंथ है। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर। ये हमारा मेन डोर है, मेन डोर से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर जिसको हमने हॉल से डिनोट किया हुआ है। इस हॉल का जो हमारा साइज है वो 9x6 इंचेस x 18x6 इंचेस का होगा। जिसमें कि हमारा 9x6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 18x6 इंचेस हमारी इसकी ओवरऑल लेंथ होगी। देन यहाँ हॉल से ही हमने एक किचन प्रोवाइड किया हुआ है। इस डोर से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। किचन का जो हमारा साइज है वो 9x6 इंचेस x 6 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 9x6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 6 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इसमें हमने वेंटिलेशन के लिए एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर जो कि हमारा बेडरूम 1 है। इस बेडरूम का जो हमारा साइज है वो 9x10 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ है एंड 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने एक एरिया प्रोवाइड किया हुआ है, इसको आप एज अ पूजा रूम यूज कर सकते हैं अगर आपको टॉयलेट बाथरूम आउटसाइड चाहिए तो, अदरवाइज इस पोर्शन को आप कॉमन टॉयलेट बाथ बना सकते हैं। इसका जो हमारा साइज होगा वो 6x4 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 6 फीट इसकी विड्थ है एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम का जो हमारा साइज है वो भी सेम फर्स्ट बेडरूम के जैसा ही होगा, 9x10 फीट का, जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जो डोर्स प्रोवाइड की, जो हमारा मेन डोर है इसका जो हमारा साइज है वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। यहाँ जितने भी डोर्स को हमने W से डिनोट किया हुआ है, इन डोर्स का जो हमारा साइज है वो 2x6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर को हमने D1 से डिनोट किया हुआ है, जो हमारा W से एंड बाथ का डोर है, इसका जो हमारा साइज है वो 2x6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया हुआ है, इन विंडोज का जो हमारा साइज है वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया हुआ है, इनका जो हमारा साइज है वो 1x6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया है वो 500 स्क्वायर फीट का होगा। एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 6-7 लाख के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान जो कि 20x25 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था जिसमें कि हमने एक 2 BHK प्लान किया था।